नमस्कार साथियों आज के वीडियो में तो मित्रों हम यह सीखेंगे कि हम मेल को कैसे सेंड कर सकते हैं अपने मोबाइल से किसी को कैसे मेल को सेंड कर सकते हैं इसके लिए आ, कोई कठिन कार्य नहीं है मेल को सेंड करना आपके मोबाइल पे इसके लिए आपका जीमेल अकाउंट सबसे पहले होना चाहिए और जी अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट कर देना आपके कमेंट को देखते हुए उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा किंतु मेरा ऐसा मानना है कि आज की डेट में क्योंकि किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल को चलाने से पूर्व आपका जी अकाउंट होना चाहिए तो मेरा मानना है कि सभी को सभी छात्र छात्राओं को सभी मित्रों को जी अकाउंट बनाना आता होगा तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को इसके लिए सबसे पहले आपको अपने जी अकाउंट पर जाना है जैसे ये मेरा जी अकाउंट है इसके बाद बड़े ध्यान से देखिए आप जी अकाउंट है जी अकाउंट पर आप जाएंगे इसके बाद सबसे पहले आपको सॉरी ये तीन लाइनें दिख रही हैं इन तीन लाइनों पर क्लिक करना है अभी ये मेरा इनबॉक्स खुला हुआ है हो सकता है आपका जीमेल अकाउंट अगर ओपन ना हो तो आपको ओपन करने के लिए भी बोल सकता है पर अगर आपका जीमेल अकाउंट बना होगा तो ओपन भी अवश्य होगा और इनबॉक्स इनबॉक्स के मैसेजीज मैसेजेस ही उसमें दिखाई देते हैं उसके बाद आपको सबसे पहले इन तीन डॉट पे जाना है इन तीन डॉट पे जाने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं प्राइमरी सोशल प्रमोशन स्टड स्नोज इम्पोर्टेंट सेंट शीड्यूल आउटबॉक्स इस प्रकार से यहाँ आपने कुछ भी नहीं करना है ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए था आप इसमें इसके माध्यम से अपने मैसेजेस को देख सकते हैं जैसे इनबॉक्स में दिखता ही है अगर कोई मैसेज आपका इनबॉक्स में नहीं आया है और कोई व्यक्ति आपको कहता है कि आपको हमने मैसेज भेज दिया है तो ये स्पैम का ऑप्शन होता है इस स्पैम के मोसेज ऑप्शन को क्लिक कर कर आप अपने उन मैसेज को देख सकते हैं जो आप तक नहीं पहुँचे हैं ये जैसे देखिए ये मेरे को स्पैम मैसेजेस आए हुए हैं जो मुझ तक नहीं पहुँचे हैं इनबॉक्स में तो आपने अगर आप मोबाइल से सेंड कर रहे हैं तो इसके बाद आपने आ, ये ये प्लस का ऑप्शन आ रहा है यहाँ जाना है मैसेज भेजने के लिए इस प्लस के ऑप्शन पे जब आप जाएंगे तो ये आपका खुल गया आपकी मेल आ जाती है फ्रॉम यानी कि जो व्यक्ति भेज रहा है आपकी अपनी मेल यहाँ पे आ रही होगी उसके बाद टू जिसको आपने मेल भेजनी है ठीक है तो अभी मैं यहाँ पर अपने आप को ही मेल भेजता हूँ अपने आप को भी आप मेल भेज सकते हैं ये आ गया है आप पूरा टाइप कर सकते हैं तो इसके बाद ये आपने टू भेज दिया उसके बाद आप मेल पर सब्जेक्ट नाम लिखेंगे क्या आप किस मतलब देखने वाले को देखते ही पता चल जाए हो सकता वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हो जिसको एक दिन में हजारों मेल आती हो तो फिर वो सब्जेक्ट को देखते ही पहचान जाए कि ये मेल किसने भेजी है या कहाँ किसने भेजी है ये तो आपके मेल से दिख जाएगा पर किस सब्जेक्ट पे है तो ये आने की विषय आपका क्या है मेल का तो जैसे आप यहाँ कुछ भी टाइप कर सकते हैं मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ माई डॉक्यू मेंट या फिर आप सब्जेक्ट पे कभी ऐसा भी कर सकते हैं कि सर प्लीज़ रिसीव द मेल प्लीज़ अपना नाम डाल सकते हैं फ्रॉम जो भी आप हैं इसके बाद आपको कंपोज मेल पे जाना है जैसे ही आप कंपोज मेल पे जाएंगे तो आप ये ऊपर ध्यान देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा कहाँ क्लिक कर रहा हूँ ये तीन जो डॉट्स दिख रहे हैं ये इन पर आपको नहीं जाना है ये अनदर चीज़ें हैं ये ऐड करने के लिए का ये इसको छोड़ दीजिए आप आपने ये नीला आइकन हो सकता है आपके अनदर मोबाइल वैसे नीला ही रहता है पर अगर कुछ अदर आ रहा है ट्रैंगल शेप में वहाँ वो सेंड करने का ऑप्शन है अभी आपने उस पर नहीं जाना है उसके बगल पर ये पिन का ऑप्शन आ रहा है इस पिन के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये आ जाएगा अटैच फाइल जिस फाइल को आपने भेजना है ठीक है हो सकता है आपने वो फ़ाइल ड्राइव में सेव की हुई है गूगल ड्राइव में तो इंसर्ट फ्रॉप गूगल ड्राइव लिख लेंगे आप तो इंसर्ट फ्रॉप ड्राइव ये देख लीजिए ये आ गया है माय ड्राइव कंप्यूटर शेयर्ड विद मी जहाँ भी आपने सेव किया है इसको मैं फिलहाल कैंसिल कर रहा हूँ उसके बाद फिर से दिखा देता हूँ अटैच फाइल यानी कि आपको अटैच करनी है अपनी फ़ाइल को तो अपनी फ़ाइल को आप किस प्रकार अटैच करेंगे ये देखिए अटैच फ़ाइल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अटैच फ़ाइल करते ही आपके सारे इमेजेस या जो भी चीज़ें हैं वो दिख जाएगी अब कहीं को ये दिक्कत होती है कि मुझे कहाँ से अपनी फ़ाइल ढूँढनी है तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये तीन फिर से तीन लाइनें हैं यहाँ आपको क्लिक करना है यहाँ आप क्लिक करते ही आपका सारा डाटा आ जाएगा इमेजेस है वीडियो है ऑडियो है डाउनलोड्स है या ये आपके मोबाइल की जो गैलरी है रेडमी वाई टू लिखा हुआ है उस मोबाइल की गैलरी में आप ये देख सकते हैं कहाँ इसमें आपका आ जाएगा कहाँ आपने वो फाइल को सेव किया हुआ है कैमरे की इमेज़ है तो यहाँ जा सकते हो कैमरे पर इसी प्रकार फ़िलहाल इसे बैक कर लेते हैं बैक कर लेते हैं फिर से चला जाता हूँ अटैच फाइल तो आपने ये ऊपर सबसे लेफ्ट साइड पे देखी है तीन लाइनें बनी हुई है, वहाँ क्लिक करना है उसके बाद ये सारा आपका पास आ जाएगा अब आपने बहुत ध्यान से देखिएगा जहाँ भी आपकी फ़ाइल सेव है टेन डिस्क में यानि कि आपकी जो मेमोरी कार्ड है उसमें सेव है तो आप उसे क्लिक कर लेंगे किस फाइल में वो सेव हैं यहाँ देख लीजिए मेरी सारी फ़ाइल्स सा आ गई है तो अब आप अगर डॉक्यूमेंट्स है तो डॉक्यूमेंट्स में चले जाइए ये है बहुत सारा चैप्टर ये सारी चीज़ें आ गई हैं जो भी फाइल है आपने फ़ाइल नेम आपको ध्यान रखना है कि किस फाइल को मुझे भेजना है तो चलो ये मैं बी ए पॉलिटिकल की फ़ाइल को पकड़ लेता हूँ उसके बाद अब आपके सामने ये इस प्रकार से आ जाएगा नेट की स्पीड अच्छी होगी तो बहुत जल्दी मेल सेंड हो जाती है नेट की नेट की स्पीड अच्छी नहीं है तो मेल सेंड होने में टाइम लग सकता है अब बड़े ध्यान से देखिएगा आपने सबसे ऊपर जो ट्रेंगिल का शेप का बटन है उस पर क्लिक कर देना है फिर देख लीजिए क्योंकि मुझे अब ध्यान आ रहा है कि मेरे मैं जहाँ क्लिक कर रहा हूँ वो आपको नहीं दिख रहा होगा तो सबसे ऊपर राइट हैंड साइड पे तीन डॉट्स हैं उसके बगल पे ट्रेंगिल का शेप बनाए वहाँ पे आपने इसे सेंड कर देना है वहाँ पे क्लिक करते ही ये मेल आपके सेंड होगा या भी नीचे देखिए आप सेंट अंडो अंडो या अंडो पे आप क्लिक करते हैं तो उससे आप पीछे आ जाएंगे और अब आपको बेटा ये चेक करना है मित्रों आपको ये चेक करना है सॉरी वो आदत सी पड़ी हुई है इसलिए बेटा बेटा निकल जाता है बच्चों के साथ बात करते हुए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ सभी साथियों से अब आपने ये चेक करना है कि क्या आपकी मेल जिस संबंधित व्यक्ति को जिससे आपने मेल भेजी है पहुँच गई है या नहीं पहुँची है तो आपने ये क्लिक करना है उसके बाद आपने सबसे ऊपर अभी ये ऊपर आ गया था आपने आप खुद पढ़ सकते हैं यहाँ पे कहाँ क्या है सेंट का ऑप्शन है सेंट के ऑप्शन पे आप जाएंगे तो ये जो मैंने मेल भेजी थी ये आप देख रहे हैं सर प्लीज़ रिसीव द मेल फ्रॉम राजेंद्रा ये आपके सम्मुख आ गया है सबसे ऊपर तो इससे आपको पता चल जाएगा ये आप इसको क्लिक कर सकते हैं तो कैसा आपको मेरा वीडियो लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके और जैसा कि बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दें ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस में जब आपको आगे भेजूं तो आपको वो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए थैंक यू